भारत के सबसे एडवांस एलजी यानी सबसे फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन के एलजी पे न्योमा में 14,000 फीट की ऊंचाई पर ये वो आपका एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है जो भारतीय वायुसेना और इंडियन आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर ना सिर्फ आपके जो हेलीकॉप्टर्स हैं ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर बल्कि भारी भरकम ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट को भी उतारा जा सकता है। इससे पहले भारत ने यहाँ पर कई जो भारी भरकम आप कह सकते हैं बड़े जो ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट हैं जिसमें N-32 आपका C-130J जैसे ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट को यहीं लैंड करा है। और इसकी इंपॉर्टेंस इस बात से समझिए कि पिछले 1.5 साल में यहाँ पर इतनी शॉर्टेज हो चुकी हैं जो ना सिर्फ हमारी सेनाओं को आगे डिप्लॉयमेंट करने में बल्कि सबसे खास बात यह कि उनके रसद पहुँचाने में साजो सामान पहुँचाने में उनके हथियार पहुँचाने में सबसे मददगार रही है। 14,000 फीट की ऊंचाई के अलावा इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ से बिल्कुल पास यानी 15 नॉटिकल माइल्स पे भी यानी मुश्किल से 20 से 25 किलोमीटर दूर LAC है यानी वो इलाका जहाँ पर लगातार भारत और चीन के सैनिक आमने सामने बैठे थे। यानी भले ही कई लोकेशंस पे डिसंगेजमेंट हो गया हो लेकिन भारत ने अपनी इंडियन एयरफोर्स की क्षमताओं को अभी भी बरकरार रखा है। आज हम यहाँ पर आए हैं तो हम ये भी देखेंगे कि आखिरकार कैसे हमारे यहाँ पर एयर वॉरियर्स बने रहते हैं कैसे वो रहते हैं और ये भी कि क्या स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इसकी है। इस LG की लगातार मैं आपको इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार इस LG को क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये वो LG स्ट्रैटेजिक LG है जो आने वाले वक्त में भारत के लिए एक बड़े बेस के तौर पर भी सामने आ सकता है।